हाय छोटी, गुड मॉर्निंग। गाइस गुड मॉर्निंग करो, गाइस गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग गाइस। जय माता दी, जय माता दी। आज मेरा दूसरा फर्स्ट डे है। ये वेरी गुड। आज किट्टू का फर्स्ट डे है। किट्टू हो गई है रेडी और जा रही है चुंदर पनी बन के कूल। किट्टू की और बारिश आ रही है गाइस, और बारिश मौसम देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो पूरा फर्श गीला रखा है। और बारिश अब गाड़ी अभी तक नहीं आई और हम वेट कर रहे हैं गाड़ी का। हाय मेरी जान, मेरी गुड़िया, अच्छा जा भी मामा की। आई लव यू। झंडी आना, तुम भी झंडी आना। हे गाइस गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हाय निधि की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा ठीक 8:30 बजे। गाइस झूठ नहीं बोलूंगी, 8:30 बज चुके। किक तो चलेगी स्कूल जैसे कि आप लोग को दिखाई दिया है। और यहाँ का मौसम तो इतना खतरनाक हो रखा ना, ठंडी हो रही है। जितनी दिल्ली में और देहरादून में गर्म हो रहा है ना, उससे ज़्यादा यहाँ पे ठंडा हो रहा है। मैं सच में बता रही हूँ आप लोग को। और मेरी आईलेसेस कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस ये वाला कोर्स मैं आईलेसेस एक्सटेंशन का कोर्स कर लिया है मैंने, तो जिसको भी आना है, जिसको भी करवाना है, आप लोग आ सकते हो। जो जो मुझे जानता है वो मेरे घर का एड्रेस भी जानता ही होगा, तो आप लोग आ सकते हो, करवा सकते हो, है ना। और बाहर का मौसम दिखा देती हूँ मैं आप लोग को पहले कि कितना खतरनाक हो रहा है। देख सकते हो गाइस बारिश हो रही है और मौसम देख सकते हो एकदम काला सा हो रखा है। ये देखो आवाज़ भी आ रही होगी, किट्टू इतनी बारिश में चली स्कूल, भेज तो दिया मैंने उसको स्कूल में ना। अब देखते हैं कि बच्चा सही सलामत घर आ जाए। मेरा बारिश में भीगेगा तो नहीं, बस ठंडी लगती है ना मोस्टली बच्चों को, तो इसके लिए। ये है बाहर का व्यू, वेदर बहुत ही बारिश वाला। मैंने आप लोग को बता ही दिया कि मैं देहरादून दिल्ली गई हुई थी, पापा की तबीयत खराब थी। आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में देख ही लिया होगा। बस अभी मैं फाइनली घर आ चुकी हूँ और अब मैंने सोचा कंटिन्यू भले कुछ भी डालूँ पर डेली व्लॉगिंग लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। डेली मतलब डेली है, मतलब हनी का पक्का वाला प्रॉमिस है, पिंकी प्रॉमिस, हनी वाला प्रॉमिस नहीं, पिंकी पिंकी पोंकी वाला प्रॉमिस है ना। तो अभी तो मेरे घर का एक्चुअली मैं आ तो परसों ही गई थी, पर मैंने ना क्या घर का काम आई थी, फिर किट्टू का एडमिशन था, थोड़ा कुछ काम पेंडिंग था वो काम करवाया, प्लस कल फिर मैंने सारा दिन कपड़े वगैरह धोए। दिखाती हूँ कितने सारे थे। घर का हाल है कुछ ऐसा। और ये देखो गाइस मैंने नई हांडी ली थी, इसमें मैं कुकिंग करती हूँ, मुझे अच्छी लगती है मटके की। कुछ कुकिंग करूँगी नेक्स्ट तो आपके संग जरूर शेयर करूँगी। हर घर का हाल हो रखा है कुछ ऐसा। किट्टू का ये उठा के लाई हूँ अभी, क्योंकि पूरा भीग गया है किट्टू का हाउस ना, पूरा भीग गया है। अभी उठा के मैंने इसके ऊपर रखा था, सूख जाए पंखे की जब, क्योंकि मैंने ना इसको रात को बालकोनी में रख दिया था गाय, और बालकोनी में आ गया पानी बारिश की वजह से, तो इसके लिए मैंने इसको अंदर रख दिया अभी। और कपड़े देखो आधे कपड़े यहाँ सूख रहे हैं और आधे आधे तो ये तो कुछ भी नहीं है जो अभी अंदर का है। सी पूरा बेड भरा हुआ है कपड़ों 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 से, क्योंकि आज कल मैंने इतने सारे कपड़े धोए थे, सारे कपड़े गाइस कल के धुले हुए। तो बस आप लोग को पता है जब घर से बाहर आओ उसके बाद घर में कितना सारा काम फैला हुआ होता है ना। तो बस अभी चालू है काम वाम, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, आवाज़ पता नहीं आ रही है कि नहीं पर बहुत हो रही है। मैंने आप लोग को मिलवा ही दिया है, तो अभी ऐसा करते हैं पहले फटाफट से घर का काम वाम निपटा लेते। गर्म पानी मैंने पी लिया है गाइस, क्योंकि मैं सुबह सुबह उठते मुझे पहले अभी 17-18 दिन घर पे रह के आई ना दिल्ली में, तो वहाँ पूरा डाइट का टेस्टनेस हो गया। कोई गर्म पानी नहीं, कोई डाइट का कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, तो आई थिंक 2 किलो वेट बढ़ गया हनी का। तो कोई नहीं, हनी फिर लेवल पर आई जाएगी। तो बस अभी ऐसा करते फटाफट से काम वाम निपटाते, उसके बाद आपसे मिलते हैं। गाइस मेरे को काम वाम हो चुका है, सब कुछ डन, और दिखा देती हूँ मैं क्या जला के, लाइट जला के काम करना पड़ रहा है क्योंकि इतना अंधेरा हो रहा है। सुबह का दोपहर का बज गया 12:30 और मैं अभी किचन की लाइट जला के काम कर रही हूँ, दरवाजे बंद कर रखे क्योंकि बहुत हवा और आंधी तूफान चल रहा है। और आज हम लोग बना रहे हैं, बारिश हो रही हो और पकौड़े ना हो तो मज़ा कैसे आएगा। तो इसके लिए मैं बना रही हूँ आलू प्याज, इसमें हरी मिर्च डाल दी, थोड़ा हरा धनिया डालूंगी, और इसके बनाएंगे हम लोग पकौड़े। साथ में मैं बेसन लेके आ गई हूँ यहाँ पे, और ब्रेड पकोड़े भी, ब्रेड पकोड़े नहीं बनाऊँगी खाली पकोड़े बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने अपनी कढ़ाई रख दी है, और अंधेरा देख सकते हो गाइस आप कितना अंधेरा हो रखा है। सी
बहुत ही अंधेरा हो रखा है। साथ में मैंने अपने ये रूम भी साफ़ कर दिया क्योंकि कपड़े सूख गए थे सारे, तो तय करके अलमीरा में लगा दिए। 12:30 हो चुका है ऑलरेडी। अब मैं सोच रही फटाफट से पहले पकौड़े वगैरह बना लूँ, फिर एक बजे तक किट्टू भी आ जाएगी, फिर साथ में मिलके खाएंगे। तो फटाफट से अभी हम लोग सामान की रेडी कर लेते हैं प्रिपरेशन। सो गाइस, बना लिए मैंने यहाँ पे मज़ेदार सी हरी चटनी साथ में पकौड़े प्याज और आलू के, और अब करेंगे हम फटाफट से नाश्ता। गाइस लिफ्ट में आ चुकी हूँ। एक्चुअली नाश्ता करते करते हमारा नाश्ता हुआ लेट, लंच ही समझ लो, और ना किट्टू गाड़ी का फोन आ गया, किट्टू आ गई है नीचे और अभी बस छाता लेके जा रही है क्योंकि बारिश हो रही है बहुत तेज, इसके लिए छाता लेके जा रहे हैं। किट्टू भी है ना मेरी, तो बस फटाफट से अभी लिफ्ट आती है, नीचे उतर रहे हैं, उसके बाद किट्टू को लेने चलते हैं और भाग का भी दिखाते हैं। तो गाइस देख सकते हो बारिश अभी भी हो रही है मज़ेदार सी। ये बारिश भी बहुत गंदी लगती है, थोड़ी 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 होती रहती है ना सी। और मैं तो छाता लेके आ गई हूँ किट्टू को लेने के लिए। बस अभी किट्टू को लेते हैं। गाइस मौसम बहुत खतरनाक हो रखा है सी, यहाँ से देख सकते हो कितनी जोर से बारिश पड़ रही है ना। मैं खड़ी हुई हूँ फोन को लेके, फोन भी गीला ना हो और मैं भी गीली ना हूँ। मुझे कीचड़ से घिन आता है थोड़ा थोड़ा सा। फाइनली गाइस आ चुकी है किट्टू की बस भी इतनी बारिश में अभी, और आज तो किट्टू का टाइमिंग भी चेंज हो गया, किट्टू की बस भी बहुत लेट आने लगी है। पहले 1 बजे आती है, अब 1:30-1:45 ऐसे आती है। तब देखते हैं हमारी किट्टू क्या करके सामने ही बैठी हुई है। किट्टू दिखी मुझे किट्टू, तो गाइस दिखाती हूँ आपको, ये देखो मेरी बिल्ली, म्याऊं म्याऊं। हेलो गाइस, तो फाइनली सीधा दोपहर के बाद मैं मिल रही हूँ आप लोग को अभी शाम को, और अभी शाम का बज चुका है 5:30 और मैं हम लोग उठ चुके हैं। एक्चुअली उठे नहीं, मैं सोई नहीं क्योंकि घर में बहुत सारा काम था फैला हुआ था, वो मैं कर रही थी, और ये मिली है मेरी सोन परी से। सीधे किट्टू किट्टू को सुला दिया था मैंने, और ये स्कूल से बारिश बहुत तेज हो रही थी, मैंने आप लोग को दिखाया ही था, तो इसके लिए किट्टू को सुला दिया था। किट्टू खाना खा के सो गई थी, मैं अपना काम निपटा रही थी। बस किट्टू अभी उठी और किट्टू को नाश्ता करा रही है मम्मा। किट्टू ने कहा मैं गाइस से बात करूंगी, और इसलिए मम्मा मुझे छाता दिलाने चाहिए। गाइस एक लाइक तो कर ही दिया आज, कर दीजिए मेरी बेटी, कर दो हार्ट भी, दे दो हार्ट भी, ठीक है दे देंगे। गाइस ने बोला हम किट्टू की मम्मा के लिए किट्टू के लिए दे देंगे। तो गाइस अभी मैं फटाफट से किट्टू को खिला रही नाश्ता। नाश्ता सुबह का नहीं शाम का, तो उसमें मैंने ब्रेड गरम करी है किट्टू के लिए घी लगा के, तो किट्टू को वो खिलाऊंगी। और यहाँ पे मैंने किट्टू के लिए एक ऑनलाइन से शर्ट मंगाई थी, तो किट्टू को ये पहना के देखते हैं कि कैसी लग रही है। कैसी लग रही है मेरी राजकुमारी, प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताना कि मम्मी की सोन परी कितनी प्यारी लग रही है। ये रेड वाइन कलर की शर्ट है, तो ये मैंने किट्टू के लिए ऑनलाइन से मंगवाई थी। इधर आओ अभी, इधर आओ ना आगे। तो गाइस कैसी लग रही है कमेंट्स करके जरूर बताना, प्लीज 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 एक लाइक तो बनता है मेरी बेटी के लिए। गाइस हो चुका है किट्टू का ट्यूशन जाने का टाइम, बारिश भी अभी थमी हुई है, रुकी हुई है, तो मैंने सोचा फटाफट से पहले किट्टू की ट्यूशन छोड़ के आ जाती हूँ। और किट्टू जा रही है ट्यूशन। किट्टू से हाय। हाय गाइस, मेरा किट्टू ट्यूशन जा रहा है पूरे 2 महीने बाद। कितने महीने बाद? 2 मंथ्स। 2 मंथ्स। सामने तो देख लो, मुंह तो दिखा दो, अपनी चुटिया ही दिखाई जा रही है। वेरी गुड। मेरी आपकी अपनी हनी। तो फिलहाल मैं नहा धो ली हूँ, नहा धो लिया है, पूजा वूजा करूँगी करूँगी अभी, मतलब घर जाके पहले किट्टू को ट्यूशन छोड़ के आ जाती हूँ। मस्त मौसम हो रहा है, बारिश रुक चुकी है और मौसम हो रहा है बहुत मजेदार सा। तो बस किट्टू बोल रही है मैं पहली बार ट्यूशन जा रही हूँ, पहली बार नहीं जा रही है, 2 महीने बाद जा रही है, पहली बार नहीं जा रही। तो मैं इसको ट्यूशन ले जाने की जगह मैं अपनी क्लाइंट से बात करने लग गई है ना, कोई लेडीज मिल गई थी, और ये देखो ये आ गई यहाँ पे जिम के साथ, जिम करने के लिए। पहले तो ये मेरी सुपर मॉडल है, और सुपर किट्टू स्लीपर दिखा। तो गाइस देखो पहले ये बताओ कि मेरी बेटी के क्यूट क्यूट स्लीपर कैसे लग रहे हैं। इसके हैं पिंक और मेरे हैं वाइट, तो दोनों में से किसके अच्छे लग रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताओ। मैंने ली है वाइट और किट्टू ने ली है पिंक। वाइट पिंक पिंक वाइट, चलो। और किट्टू का फिर भाई भी मिल गया, आदि भाई, चलो जल्दी ट्यूशन चलते हैं।
किट्टू को छोड़ के आ चुकी थी मैं ट्यूशन, अब जा रही हूँ उसको लेने। घर का काम थोड़ा पेंडिंग था वो कर रही थी, बस अब मैं किट्टू को जा रही हूँ लेने ट्यूशन से, क्योंकि टाइम हो चुका है। उसके बाद कुछ सामान भी लेके आना है, सब्जी वब्जी भी लेके आनी है, तो चलिए आपको भी घुमाते हैं। अच्छा गाइस, मेरा चंदा छोटी आ गया, मेरा छंडा आ गया और लिफ्ट भी आ गई और मेरा छंडा। गाइस आ चुके हैं हम लोग ऊपर और घर में आ गए, सब्जी वब्जी लेके आ गए थे, नीचे बारिश आ गई थी इसलिए मैं कुछ दिखा ही नहीं पाई आप लोगों नीचे। तो किट्टू को ट्यूशन से लिया और सीधे ऊपर आ गई, और अब मैं सीधा फटाफट से ऐसा करती हूँ खाने, किट्टू को खाना बना के खिलाती हूँ रात का डिनर, क्योंकि लेट हो रहा है और मैं चाहती कि ज़्यादा लेट हो जाए और बच्चे को सुबह स्कूल जाने के लिए लेट हो जाए मेरे। तो मैं सीधे फटाफट से पहले खाना पीना बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। किट्टू को ही खिलाती हूँ मैं तो, रात को खाती नहीं हूँ गाइस, क्योंकि मैं खाना रात को मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। मैं एक टाइम खाना खा लेती हूँ ना, फिर मेरा पूरा ऐसा लगता है मुझे बस अब मेरा पेट भर गया, अब मुझे कुछ कुछ नहीं खाना। और यही मैं अपनी मम्मी के यहाँ जाती हूँ देहरादून या दिल्ली, तो मुझे इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है, तीनों टाइम भूख लगती है। और इस टाइम यहाँ पे आती हूँ तो कुछ भी खाने पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, पता नहीं ऐसा क्यों है। तो गाइस मैंने बना लिया है किट्टू के लिए यहाँ पे पराठे देसी घी में और साथ में टमाटर सॉस ही, उसको टमाटर सॉस बहुत पसंद है इसलिए वो रात को टमाटर सॉस खाती है। तो अभी ये खाना बन गया, फटाफट से पहले किट्टू को खाना खिला देते हैं। गाइस तो फाइनली किट्टू का डिनर विनर हो चुका है डन, मेरा भी काम हो चुका है कम्प्लीट, और अब मैं दिखाती हूँ मैं क्या कर रही। तो गाइस मैंने लगाई है नेम पेंट चेंज करी है, तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि कैसी लगी है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोग को अपनी नेम पेंट का कलेक्शन भी दिखाऊँ। एक्चुअली मैंने इस पर ग्रीन लगाई है और इस पर गोल्डन सिल्वर लगाया है, तो सिल्वर मैंने स्पार्कल लगाया, तो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना मेरे प्यारे प्यारे हंसा। और गाइस ये मेरे खुद के मेन से, ये चोरी किए हुए या किसी के से वो लगा लेते हैं ना आजकल, वो नहीं है, ये मेरे खुद के नेम से। और मैं सोच रही हूँ आपको अपने नेम पेंट का कलेक्शन दिखा देती हूँ। गाइस ये है मेरे नेम पेंट का कलेक्शन, अभी जो मैंने लगाया है वो ये लगाया है। तो मैं जब भी दिल्ली जाती हूँ, दिल्ली से हमेशा तीन चार नेम पेंट उठा के लेके आती हूँ। और ये स्पार्कल, जो मैं स्पार्कल अभी यूज़ कर रही थी बीच में, तो देख सकते हो मेरे पास कितना सारा कलेक्शन है नेम पेंट का। ये मैं दिल्ली पिछले साल में नेक्स्ट टाइम गई थी ना, उस टाइम पर लाई थी दिल्ली से, ये दोनों एक ही ब्रांड है और मैंने एक ही दुकान से ली हुए, और बहुत पक्की भी है गाइस, इसे टूटती भी मतलब जल्दी से नेम्स पे से हटती नहीं है। साथ में कुछ स्पार्कल्स हैं, कुछ ये नेम पेंट्स के कलर हैं, ये भी मेरा बहुत फेवरेट कलर है ब्लू, एंड ये सबसे बड़ा औसम मेरा सबसे फेवरेट कलर है। और जो सबसे पहले फेवरेट हुआ करता था वो है ब्लैक, जो मैं ब्लैक अब थोड़ा कम ही यूज़ करती हूँ। बाकी ये सारे कलर मेरे कलेक्शंस में से एक कलेक्शन से नेम पेंट का, तो ये भी मैं यूज़ करती हूँ। और ये कलर इंग्लिश कलर है, ये मुझे बहुत डिसेंट लगता है गाइस। और ये वाला भी है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ कुछ तो ऐसी है जो मैंने अभी तक एक बार भी यूज़ नहीं किया, जैसे मैंने ये अभी तक यूज़ नहीं किया, मैंने ये यूज़ नहीं किया, मैंने ये यूज़ नहीं किया, मैंने ये भी यूज़ नहीं किया। मुझे तो लग रहा है ये रखी रखी भी कुछ कुछ ख़राब ही होगी मेरी। ये भी मुझे बहुत पसंद है कलर, ज़्यादातर जो मैं लगाती हूँ वो लगाती हूँ ये पिंक कलर, ये तो मैं इस बार लेके आई हूँ, नहीं सॉरी इस बार नहीं, ये वाला कलर या फिर ये वाला कलर। और जो मैं इस बार लेके आई हूँ ना वो कलर कौन सा है, वो ये वाला है सॉरी। तो ऐसे मेरे पास तीन है, कुछ मिलते जुलते इनमें से, ये दो एक ही कलर हैं और ये कलर भी बहुत प्यारा लगता है गाइस मेरे को। तो कुछ कलर ऐसे तो मिलते जुलते हैं, बाकी ये है मेरा पूरा कलेक्शन नेम पेंट का। तो आप लोग देख सकते हो कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। सी ये भी ग्रीन है और ये भी ग्रीन है, बस ग्रीन में थोड़ा कलर डिफरेंट है बट है ग्रीन ही। ये थोड़ा डार्क, ये वाला छोटा जो छोटा फिंगर्स में कर रही हूँ ये थोड़ा डार्क ग्रीन है। तो गाइस मुझे ना एक ही हाथ के नेम्स पसंद है बढ़ाना, दूसरे हाथ के नहीं, तो मुझे खाली इसी हाथ के नेम्स अच्छे लगते हैं बड़े हुए, क्योंकि तो एक हाथ से मैं बढ़ा लेती ना तो फिर मैं बाकी का कुछ काम वाम नहीं कर पाती, तो थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो इसको मैं सही कर लेती हूँ फटाफट से। गाइस उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और मेरा नेम पेंट का कलेक्शन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। तो फाइनली आज का ब्लॉग का मैं सोच रही अब यहीं पे एंड कर देते, क्योंकि नेम पेंट लग चुकी है, अब इसको सुखाने में बहुत टाइम लगेगा। और अब हम थोड़ा रेस्ट भी करते हैं गाइस, क्योंकि मैंने दिन में भी रेस्ट नहीं किया क्योंकि काम था, थोड़ा पार्लर का भी काम था, तो इसके लिए भी रेस्ट नहीं कर पाई। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग का संग, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, जय माता दी, लव यू ऑल। कितना आप भी बोलो गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस ये तो बुद्धू हो गई है, सर सकोई नहीं, इसके बदले के मैं बोल रही थी। सो गाइस गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, अच्छा मतलब लव यू ऑल।